तो लास्ट क्लास में हमने जो गेट 2021 का है पहले 30 क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो आपने सॉल्व किया होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, 31 से लेके 65 तक ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किए होंगे, एक बार दो बार तीन बार फिर से सॉल्व करना आप, क्योंकि सीखने को मिलेगा, है ना। और 2021 में जो भी क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं होंगे, रात को या कल सुबह या कल दिन में सारे क्वेश्चन नंबर भेज देना, ताकि मैं एक बार ना देख लूंगा, और फिर हम शाम को, कल शाम को सिर्फ डाउट डिस्कस करेंगे गेट 2021 के क्वेश्चंस का, है ना। कोई भी क्वेश्चन 1 2 आप 65 सारे ट्राई करके आओ, उसके डाउट देखेंगे। तो मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ 31 से, है ना। अब सॉल्व करके देखना। सो ये कह रहा है कि एक्स बी रैंडम वेरिएबल हैविंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट ex स्क्वायर 110 है। तो आपको पता है पॉइजन लैम्डा मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, वेरिएंस x प्लस ex स्क्वायर, तो लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, यस। सो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा 110, तो वहां से लैम्डा निकल आएगा कितना, 10 निकल आएगा, है ना, क्योंकि लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1 आएगा, और ये 10 × 11 है, तो लैम्डा 10 हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू 10 आ गई, जिससे पता चल गया कि एक्स पॉइजन 10 है। उसका कौन सा ट्रू नहीं है, तो पॉइजन 10 है आपके पास, कि एक्स इज पॉइजन 10, बोल रहा है कि ये ऐसा होगा फॉर ऑल एन। तो सिंपल सा काम करना कि एन को 1 रख के चेक कर लेना कि हो रहा है क्या, 2 रख के चेक कर लो, 3 रख के चेक कर लो, इस तरह से आपको दिख जाएगा ट्रू है कि फॉल्स है। एक ही कोई नॉट ट्रू आएगा, बाकी सब ट्रू आएगा, तो कोई एक ही जो होगा वो नॉट ट्रू आएगा। बोल रहा है इवन, इवन का मतलब है 0 2 4 6 8, इन सब पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऐड कीजिए, सीरीज बनेगी, सीरीज का सम निकालिए। ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी एट के एंड प्रोबेबिलिटी एट के माइनस वन छोटा होगा। तो फिर से वही बोल रहा हूँ कि शुरू में इनिशियली आप नंबर पुट करके काम कर सकते हो, जैसे 0 पे निकालो फिर 1 पे निकालो, है ना। एक के को 0 रखो, मतलब तो 0 पे प्रोबेबिलिटी, 1 पे प्रोबेबिलिटी, आपको अब चेक करना है, कंपेयर करना है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है, लेस देन है, इस तरह से, तो ये चेक करना है। तो ये एक दूसरे का उल्टा ही कह रहा है। तो अच्छा, यहाँ 10 से है, ओ तो यहाँ 8 तक है, यहाँ 10 से है, तो देखो यहाँ 10 रख के देख लेना। तो इस तरह से आप एक आइडिया लगा सकते हो, जनरल करना चाहो वो भी कर सकते हो, पुट करके देख लो कि कैसे कब हो रहा है। तो इसके लिए सॉल्व करके देखो, है ना, इनपुट करके देखो, समझ आ जाएगा। एक ऑप्शन कोई गलत होगा, बाकी सब सही होगा, मतलब तो इसमें ना नॉट ट्रू चुनना है, तो एक ही कोई नॉट ट्रू होगा, ईज है ना, ईज है तो एक ही होगा। दूसरा तो क्वेश्चन ये है, एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जिसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है -π/2 to π/2, ठीक है। तो अगेन पूछ रहा, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। तो y बराबर cot x follows standard cot, ये थ्योरम ही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। y बराबर tan x follows standard cot, ये भी थ्योरम है। अगर x यूनिफॉर्म -π/2 से π/2 है, तो डायरेक्टली tan x cot x दोनों स्टैंडर्ड cot ही फॉलो करेगा। आपको याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल थोड़ी है, एक लाइन में हो जाएगा। एक मिनट, विंडो क्यों खुला है। ठीक है ना, तो एक प्रूफ एक लाइन में हो जाएगा, फॉर्मूला लगा लो, एफ पीडीएफ ऑफ वाई बराबर पीडीएफ ऑफ एक्स इनटू डीएक्स अपॉन डीवाई, तो उससे आ जाएगा। यहां पे 1/2 प्लस एक्स बाई पाई, तो देखो यहां से एक्स आपका है -π/2 से π/2, एक्स अपॉन पाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, -1/2 से 1/2, हाफ ऐड कर दोगे तो 0 to 1 हो जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म 0 1 है, ये जो हाफ प्लस एक्स बाई पाई है ना, वो यूनिफॉर्म 0 1 है। और आप जानते हो जब एक्स यूनिफॉर्म 0 1 होता है, तो माइनस लॉग एक्स क्या फॉलो करता है, अगर एक्स यूनिफॉर्म 0 1 है तो माइनस लॉग एक्स क्या फॉलो करेगा, एक्सपोनेंशियल 1, है ना, एक्सपोनेंशियल 1 फॉलो करेगा। तो एक्सपोनेंशियल 1 और इसका एमजीएफ एक्सपोनेंशियल 1 का ही है ये, तो करेक्ट है, मतलब ट्रू स्टेटमेंट है ये, तीनों ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखिए ये जो है हाफ प्री यूनिफॉर्म, तो एक्स अगर यूनिफॉर्म 0 1 है तो माइनस माइनस 2 लॉग एक्स फॉलो करता है काई स्क्वायर 2, लेकिन इसे क्या कह रहा है, काई स्क्वायर 1, ये कह रहा है कि काई स्क्वायर 1 होगा, तो ये गलत कह रहा है ना, तो ये गलत लिख दिया, दिस इज रॉन्ग, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
अगर काई स्क्वायर टू होता है तो ट्रू स्पेस। देखो ये सब थ्योरम है, ये चारों थ्योरम बेस्ड या ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन भी क्वेश्चन है, ये चीज है। तो लास्ट वाला ही गलत है, आसान था ये। यहां देखिए ये कह रहा है कि ये आपके पास ओमेगा एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और दिस रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट विथ प्रोबेबिलिटी पी एन अल्फा एन है। तो आप तो जानते ही हो समेशन प्रोबेबिलिटी एन मतलब समेशन अल्फा एन इज वन, ये तो डेफिनेशन ऑफ पीएमएफ है, एन फ्रॉम वन टू इंफिनिटी। तो ये सीरीज तो कन्वर्जेंट है, तो यहां से आप ये तो जानते ही हो कि अल्फा एन की लिमिट क्या होगी। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उस सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, कितनी होगी, वन, सॉरी जीरो, हाँ जीरो ना, जीरो। तो ये तो ऐसे ही आ गया यहाँ पे, डायरेक्टली आ गया ना, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पर से नॉट ट्रू पूछा आपसे, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब दूसरा क्या है कि इस तरह का अगर आप एग्जांपल देखोगे कि जैसे इस तरह पीएमएफ बनाना चाहो, तो मैं दो पीएमएफ जनरली मुझे है ना, एक तो ज्योमेट्री का याद आता है कि प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एन जो होगा 1 by 2 की पावर n, n from 1, 2, 3, this, और दूसरा होता है x बराबर n का pi square by 6 into 1 by n square, उल्टा हो गया 6 upon pi square into 1 by n square, ये दोनों PMF है। तो ये PMF अगर आप consider करो यहाँ पे 6 upon pi square into 1 by n square, ये आपका PMF है x का, जिसका support natural number है। तो 6 upon pi square 1 by n square, तो ये alpha n अगर consider करेंगे तो root alpha n 1 by n आ जाएगी, summation 1 by n, जो कि diverge करेगी by p test, है ना। तो ये गलत कह रहा है, तो यही हमारा correct statement है, पूछा है कौन सा, not true है, तो यही not true है, बाकी सब true होगा, आप check कर लो। तो ये not true है, for any positive integer k there exist, मतलब तो एक ऐसा k मिल गया तो ठीक है। तो कह रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट इवेंट एवर a टू a k, है ना। तो एक ऐसा मुझे k मिलेगा जिसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ai फ्रॉम 1 टू k जो होगा 0.001 से कम होगी, मिल जाएगा, क्योंकि ये जो अल्फा n है ना ये पक्का डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, ठीक है ना, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ही होगी, तभी तो सम जाके वन हो पाएगा, पॉजिटिव नंबर है और सबको ऐड करने पे वन आ रहा है, तो इसका मतलब वो डिक्रीजिंग होगी, तभी जाके एक पॉइंट पे जाके वो जीरो हो जाएगी। और यही कह रहा था ये भी कि एक पॉइंट पे जाके जीरो हो जाएगी अल्फा एन। तो होगा क्या, हम के बहुत लार्ज ले लेंगे, है ना, के हम क्या करेंगे बहुत लार्ज ले लेंगे, तो जब बहुत लार्ज के ले लेंगे, ये आपने सीक्वेंस का डेफिनेशन पता है ना, तो सीक्वेंस का जो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है कि अगर बहुत लार्ज n ले लूंगा ना मैं, तो लगभग सारे वैल्यू जीरो ही आएंगे अप्रोक्स। तो वही ये भी कहना चाह रहा है कि जो आप बहुत लार्ज अगर मैंने k ले लिया, तो ये जो ak plus 1 जो इवेंट है ना, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लगभग जीरो आएगी, तो ये ऐड होके भी जीरो ही देगा, और ये एप्साइलन है आपका, है ना। तो आप जितना चाहो उतना छोटा बना सकते हो इसको, k उतना, k को जितना लार्ज करोगे वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी, जितना लार्ज ले सकते हो, एक ऐसा k तो मिल ही जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है ना कि जस्ट डेफिनेशन ही लिखा हुआ है कन्वर्जेंस का, जो डेफिनेशन होता है उस पे ही बेस्ड है ये। और ये लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फिमम सीक्वेंस ऑफ, उसमें लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर लिमिट सुप लिमिट सीक्वेंस ऑफ, नहीं नहीं तो वो, तो वो आपको यहां पे ऐसा क्यों लग रहा है उसका कुछ होगा सर, क्योंकि यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इवेंट्स ये सब कुछ लिखा है, इसलिए बोलो नेक्स्ट डी में भी ये सब नहीं नहीं तो लिमिट्स लिमिट सुपीरियर का डेफिनेशन पता है आपको? नहीं नहीं वो यूनियन होता है ना, यूनियन इंटरसेक्शन है। सही बात है, डेफिनेशन वो होता है, लेकिन कब उसकी यूज होता है, यहाँ कहाँ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है कहीं,
वही तो मैं पूछ रही, नहीं है उसकी कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। देखिए यहाँ पर और एक चीज दिया हुआ कि डिस्चार्ज इवेंट्स है, ये सब कुछ दिया हुआ है। हाँ तो आपको देखना है ना कौन सी थ्योरी काम करेगी कौन सी नहीं करेगी, आप खुद दिमाग लगाओ और जो करेगी उससे करो सॉल्व। क्या पता लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर से हो जाए, तो आप करके देखो, मुझे तो नहीं समझ आ रहा ये है ना इस तरह से। तो ये भी इजी है, सेम है कि एक ऐसा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इवेंट मिलेगा, तो मतलब इंक्रीजिंग इवेंट का मतलब है A1 A2 A3 इस तरह सेट है ना, ये सेम है, दोनों सेम ही कंडीशन में आना चाह रहा है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आई में क्या करूंगा, जो AI है ना, जैसे A1 लूंगा तो 1/1 trillion ले लूंगा मैं, 1/1 trillion इस तरह से बहुत बड़ा नंबर, तो उसके कारण सबकी प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी आएगी है ना इस, मतलब या सीधा 1/1 क्यों 1 trillion लूंगा इसमें, क्योंकि सपोर्ट तो नेचुरल नंबर है ना, तो मैं बहुत लार्ज नंबर लूंगा A1 में, A2 में उससे भी लार्ज चलता रहेगा। तो फिर से सेम दोनों एक ही बात कहना चाह रहा है, लगभग एक ही चीजें हैं कि जितना लार्ज हम वैल्यू लेंगे ना, जैसे बोला देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, तो एक सीक्वेंस तो हम बना ही सकते हैं बहुत लार्ज नंबर का, ठीक है ना, ये चीज है। कहीं ना कहीं प्रूफ प्रूफ करोगे इसमें वो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आती है, उसका यूज होके आता है, बट हो जाएगा ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ यही फॉल्स है, बाकी ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। ये जो आपका क्वेश्चन है कि एक्स वाई, इसमें बहुत लोगों का दिक्कत होता है, पता नहीं इसमें क्या है, शायद यहाँ पे लोगों को दिक्कत हुआ था। सो देखना पड़ेगा क्या है। सो इसमें क्या है कि हमारे पास क्या है, एक्स वाई जो है जॉइंट पीडीएफ है, एक्स मोर देन वन वाई मोर देन वन, और बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई का पीडीएफ है ना, पीडीएफ तो ठीक है, पीडीएफ निकालना है तो आप जैकोबियन मेथड से भी कर सकते हो कि u is x plus y, v is just y और just x, कोई एक ले लो, फिर जैकोबियन से कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि जो मैं अभी कर रहा था पिछले क्लास में, CDF निकाल रहे थे, तो CDF निकालने की कोशिश कर सकते हैं कि x plus y का CDF निकाल लेंगे, तो उससे हो सकता है, लेकिन दोनों मोर देन वन है इसके हिसाब से, जरूरी नहीं है सही आंसर हो, पता नहीं ऑप्शन ट्रू है फॉल्स मुझे नहीं पता, बट आपको देखना पड़ेगा क्या आएगा। तो यहाँ आप CDF निकाल के फिर PDF निकाल सकते हैं, ऐसा हो जाएगा x plus y more than 4, तो अगर इसका x plus y का PDF निकाल लिया ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली भी हो जाएगा ना, ये जैसे joint PDF लिख के दे ही रखा है, उसको इस रीजन पे इंटीग्रेट करो, ग्राफ बनाओ और इस रीजन पे इंटीग्रेट करो इसको, ये है, उससे हो जाएगा। ये शायद गलत ऑप्शन होगा, मे बी पता नहीं, ट्रू और फॉल्स देख लो क्या है 34। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही क्वेश्चन है ठीक है ना, ये जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का ही क्वेश्चन है, यहाँ आपसे कंडीशनल एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है, तो कंडीशनल पीडीएफ निकालिए, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालिए, वो तरीका है, और क्या तरीका हो सकता है, डायरेक्ट तो बनेगा नहीं क्योंकि ये तो सम में है, तो डायरेक्ट बनेगा ऐसा नहीं लग रहा। तो ये कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, इसमें अच्छा इसका आंसर सी है, एक गलत ऑप्शन है, मतलब ना तो एक गलत ऑप्शन है, तो आ जाएगा e of x plus y, e x plus e y, तो मुश्किल नहीं है ना, मतलब कर तो सकते हैं सॉल्व, कोई भी गलत, मुझे लग रहा है ये नहीं होगा सही, क्योंकि इसका सपोर्ट जो है ना आपका 1 1, तो इसका सपोर्ट ये है, दिस इज द सपोर्ट ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, इधर 1 1 ज्यादा ना ये है, तो यहां भी सेम रीजन चलेगा। देखो अगर ग्राफ बनाएंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू जो होगी यहाँ पे, ये 1,1 है, अच्छा तो मोर देन 2 हो जाएगी, ये 2 और ये 2 यहाँ से स्टार्ट होगी, इक्वल टू 2 है और ये चलती रहेगी, तो पीडीएफ से आ जाएगा आंसर, तो हो सकता है ये गलत पीडीएफ है इसीलिए, बट हो जाएगा कैलकुलेशन करके आप लोग कर सकते हैं सॉल्व। ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि आपके पास x1 x2 x3 3 अनकोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल है, अनकोरिलेटेड है, जिसका कॉमन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो मतलब इसका है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 है ना, अनकोरिलेटेड है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 है, y1 y2 y3 दे रखा है, तो पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, एक मिनट, अच्छा
मतलब ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस का क्वेश्चन है ना, क्या कहना चाह रहा है, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। सो ये जैम में नहीं है, ये गेट में ही है सिर्फ इस टॉपिक। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ y1 y2 y3 इज 18 सिग्मा स्क्वायर। तो बताइए आप लोग को, बताइए आप लोगों को है ना। सो रैंडम वेरिएबल्स कॉमन वेरिएंस, लेकिन इसने ऐसा कहा तो नहीं है कि ये नॉर्मल ही है, लेकिन ये नॉर्मल कहाँ है ना कि नॉर्मल ही है, तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, इसमें कहाँ लिखा है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, डायमेंशन से कहाँ पहुंच जाते हैं आप, यहाँ तीन रैंडम वेरिएबल है, इतना आसान सा क्वेश्चन लग रहा है ये। मतलब तो हाँ, आसान है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वेरियंस ऑफ वाई वन निकाल लीजिए, ये यहाँ पे आ जाएगा, वेरियंस ऑफ वाई टू यहाँ आएगा, वेरियंस ऑफ वाई थ्री यहाँ आएगा, और ये ऑलरेडी कोरिलेशन कोएफिशिएंट जीरो है, कोवेरिएंस जीरो ऑलरेडी दे रखा है, तो आसान है, तो आसान क्वेश्चन है। तो इससे आ जाएगा, फिर इन तीनों का सम कर देंगे। तो यहां कहना सम ऑफ आइगन वैल्यू का मतलब हो गया वेरिएंस y1 प्लस वेरिएंस y2 प्लस वेरिएंस y3, ये तीनों का वेरिएंस ऐड कर लेंगे तो आइगन वैल्यू आ जाएगी। सम ऑफ आइगन वैल्यू मतलब ट्रेस है ना, सम ऑफ आइगन मतलब ट्रेस ना, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू मतलब ट्रेस, तो ट्रेस मतलब डायमेंशन का सम आ जाएगा। हां आसान है। The correlation coefficient between y1 y2 equal to the between y2 y3 is calculation है। तो आपको क्या करना है, correlation coefficient निकालना है y1 y2 बीच का, तो covariance निकाल लीजिए, उसके बाद correlation coefficient निकाल लीजिए, तो covariance निकालना आसान है, ये calculation based आसान question है। मतलब in fact ये jam level का भी question हो सकता है, multi variate distribution जो क्या बोलते हैं joint distribution है, question समझ लो, तो joint distribution में इस तरह पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये वर्ड चूंकि सिलेबस में नहीं है तो यहाँ ऐसा नहीं पूछेगा ना, क्योंकि ये वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स एक्चुअली गेट के सिलेबस में ही है, जैम के सिलेबस में नहीं है। हालांकि एक बार पहले पूछा गया ये वर्ड, लेकिन वो तब सिलेबस में रहा होगा, 2015 में शायद पूछा गया था। तो ये आसान है, कर लेंगे आप लोग। ये कह रहा है कि एक्शन वी एट टाइम होमोजीनियस डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन, ठीक है, तो ये गेट में ही है, जैम में नहीं है। With either finite or countable state space, देखो तो ये countable state space add हो गया, तो इसका थोड़ा सा ना property extend हो जाएगी। तो either finite or countable state space। जी जी जी, तो मतलब ये है, इसका मतलब आप क्या समझे, आप क्या बताना चाहते हैं? मतलब उससे matter नहीं करता। क्या matter नहीं करता? मतलब जो finite के लिए rule है वो countable के लिए भी follow करेगा। सिर्फ लिखा होता फाइनाइट मार्कोव चेन है तो ऑप्शन कुछ और होगा, चेक कीजिए आप ठीक से। आपने पढ़े होंगे कि फाइनाइट मार्कोव चेन में क्या होता है, एवरी मार्कोव चेन विद फाइनाइट स्पेस स्टेट स्पेस हैज एटलीस्ट हाँ होता है ना, ये यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है ना। काउंटेबल स्टेट स्पेस वाले ऐसा मार्कोव चेन मिल जाएगा जहाँ पे एक भी रिकरेंट स्टेट नहीं होगा, सारे ट्रांजिएंट हो सकता है, तो डिफरेंस कैसे नहीं पड़ रहा है, इसलिए एग्जाम में गलती करोगे ना, उसको भी पता आप कहाँ गलती करोगे। ये यहाँ बोलना चाह रहा है कि फाइनाइट भी हो सकता है या काउंटेबल, कोई एक होगा, बट काउंटेबल होने से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, फाइनाइट की प्रॉपर्टी अलग है, फाइनाइट मार्कोव चेन में हमेशा कम से कम एक रिकरेंट स्टेट होगा ही, बट काउंटेबल है जरूरी नहीं है, उसमें हो सकता है सारे ट्रांजिएंट हो, ऐसा भी हो सकता है काउंटेबल स्टेट स्पेस वाले में। देखो बोला ना, पूछा है कौन सा ट्रू है, देयर इज एटलीस्ट वन रिकरेंट स्टेट, तो आपको लग रहा होगा ये ट्रू है क्योंकि आपको फाइनाइट वाला याद है, लेकिन ये ऑप्शन फॉल्स है, दिस इज अ फॉल्स ऑप्शन, ठीक है ना, और इसीलिए फॉल्स है। अगर ये वर्ड नहीं होता ना तो ये ट्रू स्टेटमेंट होता, अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता तो, कि सिर्फ अगर बोल देगा सिर्फ फाइनाइट है तो फाइनाइट में हमेशा कम से कम एक ट्रांजिएंट स्टेट होगा ही, लेकिन काउंटेबल है जरूरी नहीं है। एग्जांपल
जी एग्जाम्पल हमने क्लास में दिए, आप तो रिविजन तो आप करते ही नहीं है, है ना। अब जाके देखिए जो हमने पढ़ाए हैं, जो जब मैं पढ़ा रहा था मार्कोव चेन, अब जाके वहां देखिए हमने इसकी थ्योरी भी पढ़ाई है और इसके क्वेश्चंस भी कराए, लेकिन आपका रिवीजन करने का तो आपको मन ही नहीं होता। रिवीजन नहीं करोगे सब भूल जाओगे सब पढ़ा हुआ। अब जाके देखो वहां पर हमने थ्योरी पढ़ाया, उसमें क्वेश्चन कराया है ये, क्योंकि ये मैं तो बता ही रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन एक बार तो हो ही चुका है ना क्लास में, जितने क्वेश्चन है 99% क्वेश्चन क्लास में ऑलरेडी हो चुके हैं, जब टॉपिक पढ़ा रहे थे पीओक्यू करा चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को डाउट आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा डाउट आता है तो आप रिवाइज नहीं कर रहे हो इसका मतलब, क्योंकि सारी चीजें कराई जा रही हैं, आधा डाउट ही आ रहा है, इसका मतलब आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। अब देखो जाके देखो पुराने लेक्चर से जहाँ सॉल्व कराए होंगे, और मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैंने कराए इसलिए मुझे याद है एक्चुअली, इसका रीजन ये भी है, वरना मुझे सोचना पड़ता। फर्स्ट टाइम जो मैंने किया होगा आप देखना उसमें बहुत सोचा होगा मैंने, क्योंकि मुझे याद इसलिए क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कराए थे इसलिए याद है। तो इसका आई थिंक होता है 100 ऐसे ले लो कुछ, ये ले लो आप, ये इनफाइनाइट डायमेंशन का मैट्रिक्स है, जो इसका स्टेट है 1 2 3 डॉट 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 1 2 3, ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। अब चेक कीजिए इसका, जैसे अच्छा इसमें सारे रिकरेंट हो गए ना, इसको थोड़ा वो कर दो, तो इसको थोड़ा सा वो कर दो, आगे बढ़ा दो, 0 1 0 0 0 0 0 1 ये कर दो, 0 0 0 1 कर दो, 0 0 0, ये लो अब ट्राई करो। ठीक है अब क्या हो रहा है, समझ आ रहा है, 1 से 2 जा सकते हैं, 2 से 3 जाएंगे, 3 से 4 जाएंगे, 4 से वापस कभी नहीं आएंगे आप, ऐसा होगा ना। तो जिस स्टेट से आप निकल के वापस कभी नहीं आ पाएंगे, तो मतलब एक भी इसमें वो नहीं है, तो ये सब आपको याद रखना, इसे पहले करा चुका हूँ, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा दिक्कत है, स्पेशली आपका यही है कि आप रिवीजन बिल्कुल नहीं करते हो, और रिवीजन नहीं करोगे तो हर बार आप बिगिनर हो, मतलब दो में एपीरियोडिक यहाँ पर नहीं लिखा, इसलिए ऐसा होगा क्योंकि है ना, एपीरियोडिक नहीं बोला इसलिए गलत है, क्योंकि यहाँ पे और बी के लिए क्या, बी थ्योरम का स्टेटमेंट है ना, देख लो मतलब गलत है, एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो सोचना पड़ेगा हमें, पहला का तो मुझे याद था डायरेक्टली, दूसरे का देख लो एक बार। तो दूसरा जो है एक एब्जॉर्बिंग स्टेट है, तो इसका मतलब है कि एब्जॉर्बिंग स्टेट है, मतलब वो रिकरेंट है ना, तो देयर इज एटलीस्ट वन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये थ्योरम का स्टेटमेंट आई थिंक ये, and if all the states are positive recurrent then there exist unique stationary distribution। अरे ये positive recurrent होना काफी नहीं है ना, वहां पे कुछ irreducible period, तो theorem का statement आपको देखना पड़ेगा इसके लिए कि theorem के जो statements हैं उसको क्या है, तो ये तो गलत है, positive recurrent apodictic and irreducible, ये तीन था। हाँ, तो एक एक कंडीशन मिसिंग है ना, जैसे यहाँ भी अपीरियोडिक मिसिंग है, यहाँ भी अपीरियोडिक मिसिंग है, बस इरिड्यूसिबल है, तो अपीरियोडिक मिसिंग आई थिंक इसलिए गलत है, मतलब ये थ्योरम्स के ही स्टेटमेंट्स हैं, बट एक एक वर्ड हटा दिया है, जैसे आपको याद हो ना इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक है तो उस तरह से स्टेशनरी होगा, ये पॉजिटिव रिकरेंट है इरिड्यूसिबल है अपीरियोडिक होगा, तो इसीलिए थ्योरम्स के स्टेटमेंट में क्या एक एक वर्ड हटा दिया था, बुक में अगर जब कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं तो थ्योरम्स आपको याद रखने पड़ेंगे, उससे है ना इजी रहेगा, नहीं तो आपको क्या होगा एग्जांपल ले लेकर ट्राई करना पड़ेगा इसको, ये है ठीक है, इसका मतलब बी सही है इसका नहीं, ओके ठीक है। तो बी है कि अगर एक ऑब्जर्विंग स्टेट होगा मतलब, तो कम से कम एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, ये भी थ्योरम का स्टेटमेंट आप प्रूव कर सकते हैं इसमें, ये है कि इसने बोल दिया कि कम से कम एक ऑब्जर्विंग स्टेट तो है तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये जो क्वेश्चन है आपका 37, ये भी थ्योरम बेस्ड ही लग रहा है, देखिए हमने किया होगा पहले भी, कि कस्टमर अराइव्स एट अ डिपार्टमेंटल स्टोर अकॉर्डिंग टू अ पॉइजन प्रोसेस विद रेट 10, है ना, तो यहाँ रेट आपका लैम्डा है 10 के इक्वल है, और फर्दर सपोज दैट द ईच अराइविंग कस्टमर इज आइदर मेल और अ फीमेल विथ प्रोबेबिलिटी 1/2 ईच,
इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर अराइवल्स लेट एंटर इन द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर हु अराइव्ड बाय टाइम टी. सो पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है. तो एस टू डिनोट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ सेकेंड फीमेल कस्टमर. ठीक है, तो यहां पे एक्चुअली जो एंटी था ना वैसे तो फॉलो कर रहा है पॉइसन टेंटी, है ना, वैसे तो क्या लैम्डा लैम्डा है ना, पॉइसन लैम्डा टी ना. लेकिन यहां पे मेल और फीमेल के हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है तो रेट हाफ हाफ हो जाएंगे. मतलब अगर आप ये जो रेट था किसका था, कस्टमर्स का, कस्टमर अराइव्स विथ रेट 10 तो मेल कस्टमर अराइव्स विथ रेट 5, फीमेल कस्टमर अराइव विथ रेट 5 तो उससे हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑल अराइवल्स अदर अराइवल्स, है ना. तो बस हो जाएगा. तो अगर आप मान लो एम लेता हूं मेल के लिए तो ये हो जाएगा पॉइजन 5t और फीमेल के लिए एफ टी ले लो तो यहां से हो जाएगा पॉइजन 5t, ये भी हो जाएगा. अब बाकी एस टू आपका टाइम ऑफ अराइवल आपको पता ही है कि इंटर अराइवल टाइम्स क्या होता है, तो एक्स वन प्लस एक्स टू. सो टाइम ऑफ अराइवल ऑफ सेकेंड कस्टमर, टाइम ऑफ अराइवल, सो फर्स्ट कस्टमर आया होगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 मतलब एक्सपोनेंशियल सॉरी लैम्डा, और इसका कितना होगा देख लो उसे, है ना. क्या होता है यहां से जो इंटर अराइवल टाइम एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है ना तो उस पे बेस्ड रही करके देख तो आ जाएगा उससे. सम ऑफ टू एक्सपोनेंशियल क्या होता है, गामा होता है ना, तो उस पे बेस्ड देख करो ये सॉल्व, इस पे आ जाएगा कि मान लो ये x1 टाइम है इंटर अराइवल टाइम ऑफ द फर्स्ट कस्टमर, x2 है सेकंड कस्टमर, तो यहां x1 plus x2 को ही s2 लिखा है इन्होंने, है ना, नो टाइम ऑफ अराइवल ऑफ सेकंड फीमेल कस्टमर. अच्छा फीमेल के लिए बात कर रहा है तो इस रेट से बात करना है, तो यहां रेट आपका 5 रहेगा इस केस में, मतलब दूसरा जो भी लेना है लैम्डा 1 लैम्डा 2 ले लो तो 5 लेके सॉल्व करो हो जाएगा. ये थ्योरम ही था कुछ कि एम टी डिनोट द मेल कस्टमर्स नंबर ऑफ मेल कस्टमर्स हु हैव अराइव्ड बाय टाइम टी. क्या था जी, बाइनोमियल था ना कुछ, याद है एन टी टू इज इक्वल टू एन और यहां पे एन टी वन कुछ ऐसा था, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था, कोई बताओ याद है, इसका कुछ ऐसा था ना बाइनोमियल एन कॉमा क्या होगा टी वन अपॉन टी टू. ये पहले भी यूज किया इसी कॉन्सेप्ट पे 2022 में भी क्वेश्चन है, 22 या 23 में, आई थिंक 22 में या 23 में देख लो क्वेश्चन, सेम थ्योरम हमने वहां भी यूज किए हैं इसका एन टी वन गिवन एन टी टू अपॉन गिवन एन, दिस थ्योरम है इस पे यूज करो आ जाएगा. ठीक है, तो जीरो पे निकालोगे तो क्या आ जाएगी, एन तो वन ही है यहाँ पे और जीरो पे निकालोगे तो टी वन अपॉन टी टू 1/3 आ जाएगी एंड 1/3 की पावर 1. ठीक है, तो ट्रू लग रहा है, देख लो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. अब एन टी यहाँ से निकाल तो लोगे, एन टी पॉइजन हुआ है तो उससे आ जाएगा ये, और ये भी निकाल लोगे, ये सब कैलकुलेशन है, जैसे फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, हमने ये क्लास में भी फॉर्मूला इसके देखे हैं, तो जिन लोगों ने रिवाइज किया हुआ है, जिन्होंने नोट किए हुए हैं उनको डायरेक्टली पता होगा इसका फॉर्मूला क्या है, सीधा सीधा हो जाएगा. ठीक है, तो आ जाएगा डायरेक्टली, तो चेक करना इसका क्या आता है, मे बी इनमें से कोई गलत होगा शायद, चेक करो आंसर क्या है. ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, वो कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा जो फॉल्स होगा वो कैलकुलेशन करके आएगा. यहाँ पे माइनस से हम एक्सपोनेंशियल 5 एक्सपोनेंशियल 5 तो क्या होता है एक्सपोनेंशियल 5 1 2 कॉमा 5 एक्सपोनेंशियल 2 5 सरस मतलब गामा 2 कॉमा 5 हो जाएगा सम तो उससे आएगा रेट 5 है. देख लेना कैलकुलेशन करके समझ आ जाएगा जो भी आंसर है कैलकुलेशन करो समझ आएगा. यहाँ जो आपको दे रखा है कि x1 x2 x3 x4 x5 जो है
ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, सो दे आर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स करेस्पोंडिंग टू अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 5 फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 0 थीटा। अच्छा, तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक यूनिफॉर्म 0 थीटा से। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो देखो ये तो मुझे पता है ना, एक्स आई जो है यूनिफॉर्म 0 थीटा है, तो एक्स आई अपॉन थीटा यूनिफॉर्म 0 1 है, है ना, एक्स आई अपॉन 1 यूनिफॉर्म 0 1 है। तो यहां से आपको पूछ रहा है कि सेकंड, तो यहां से आप बताओ मुझे सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। आप लोग जानते ही हैं बीटा 2 कॉमा n क्या है 5, n माइनस k प्लस 1, तो 5 माइनस 2 प्लस 1 कितना 4, तो इसका मीन निकाल लो, कर लोगे ना सॉल्व, उससे आ जाएगा तो एक्सपेक्टेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा 2 अपॉन 6 1 अपॉन 3, देख लो ये आ जाएगा। तो यहां से 3x2 का मीन जो आ गया वो थीटा आ गया, तो मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू दिख रहा है। ऐसे ही वेरिएंस ऑफ दिस अनलेस इज लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ दिस, तो ये 2 टाइम थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। अच्छा, थर्ड ऑर्डर स्टैट्स पे काम कर लो, तो थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा फॉलो करेगा बीटा 3,5 माइनस 3 प्लस 1 3 3, ठीक है ना। तो यहां से आप एक्सपेक्टेशन निकालोगे थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 2 डिवाइड, तुम देख लो ये थीटा आ जाएगा क्योंकि ये 1/2 मीन आएगी इसकी, इसकी मीन 1/2 आएगी, 2 शिफ्ट कर दो तो ये आ गया। तो ये अनबायस एस्टिमेटर है और ये अनबायस्ड है और ये सफिशिएंट है, आपको याद है ना, यूनिफॉर्म 0 थीटा में जो सफिशिएंट एस्टिमेटर होता है वो फिफ्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होता है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होता है। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज द सफिशिएंट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म 0 थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, समझ आ गया ना, अनबायस्ड गिवन सफिशिएंट, तो बाय राव ब्लैकवेल थ्योरम ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। यहां पे जो है आपके पास x1 x2 xn जो है रैंडम सैंपल है इस PDF से एक्सपोनेंशियल विद मीन थीटा। अब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ये है, t आपका समेशन xi है, तो हालांकि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्सपोनेंशियल थीटा है, तो ऐड हो जाएगा n थीटा हो जाएगा, जहां n थीटा रेट है। एक मिनट, इसको हम क्या लिखेंगे, ये एक्सपोनेंशियल विद मीन थीटा है ना, ध्यान दो ध्यान दे रहे हो, हाँ, इसको हम लोग लिखते हैं एक्सपोनेंशियल 1/, यहाँ रेट 1/ थीटा है, एक्सपोनेंशियल थीटा नहीं लिखेंगे, रेट मैं लिख रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल 1/ थीटा है, तो ये n / थीटा होगा, ठीक है ना, क्योंकि रेट 1/ थीटा है तो रेट ऐड होता है, तो रेट ऐड होगा तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगा n / थीटा आएगा इसका, अगर इस नोटेशन में लिख रहा हूँ, इसका नोटेशन अगर ये है तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF आएगा एक्सपोनेंशियल n / थीटा, एक्सपोनेंशियल n / थीटा। फिर पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स गिवन टी, टी क्या है समेशन एक्स आई, सो टी है समेशन एक्स आई, सो यहां से एक्सपेक्टेशन ऑफ आप टी अपॉन एन निकालोगे तो थीटा आ जाएगा, ओके, तो ये अनबायस्ड है। अच्छा, एक्चुअली ये कहीं ना कहीं ना यहां से आपसे ये पूछना चाह रहा है, तो इसका एक सिंपल सा एक और लॉजिक ये है कि मैं इतना कैलकुलेशन करूं उससे बेटर ये है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स गिवन टी, तो मुझे समेशन दिया है और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है, देखिए लगा के कैसे लगेगा, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यहां से अगर आप मीन निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, तो ये रेट है n / थीटा, तो ये थीटा / n आ जाएगा नहीं, तो यहां से एक्सपेक्टेशन n टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ये थीटा आ जाएगा, तो n टाइम, चलो n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक, तो n x1 कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई दी, अनबायस्ड हो गया, सफिशिएंट क्या होगा इसका, समेशन xi ये है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं ना यू एम यू टाइप का पूछ रहा है ना ये, हां सर वही बोल रहे थे, हां तो यू डायरेक्टली यू एम यू आपसे पूछ रहा है, यू एम यू यूनिक रहता है ना, आपको पता ही है, सो व्हाट इज यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस एस्टिमेटर ऑफ, तो यहां से 1/n एंड अनबायस गिवन टी, टी सफिशिएंट एस्टिमेटर यहां पे, ठीक है, कंप्लीट एंड सफिशिएंट, और ये n x बार तो 1/n एक्सपेक्टेशन ऑफ n x1 गिवन टी, तो ये n x1 क्या है, तो बताओ भाई तुम लोग जानते हो,
व्हाट इज द यूएम वीयूई ऑफ थीटा इन केस ऑफ दिस, क्या बनता है? एक्स बार ना, एक्स बार का मीन कितना होगा? ई ऑफ एक्स बार, यहां से निकालोगे थीटा आएगा, एक्स बार आएगा, ये एक्स बार, तो ये चीज है एक्स बार के इक्वल आएगी। ये चीज किसके इक्वल आएगी? क्यों? क्योंकि ये यूएम वीयूई है और एक्स बार भी यूएम वीयूई है और यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर यूनिक होता है, तो उसके इक्वल ही आएगा। दो अलग अलग, दो डिफरेंट यूएम वीयूई नहीं मिल सकता। तो ये जो मैं एक्स बार बोल रहा हूँ यूएम वीयूई है, एक्स बार इज टी बाई एन एक्चुअली, वन बाई एन बाहर है, ये टी बाई एन है, दिस इज टी बाई एन। तो टी बाई एन मैं कैसे बोल रहा हूँ? ये बोल रहा हूँ मैं लेमन सेबी थ्योरम से, ठीक? कोई कंप्लीट सफिशिएंट एंटिटी, एक्सपेक्टेशन निकालेंगे टी बाई एन का, तो आपका आ जाएगा टी, आपका समेशन एक्स आई, तो थीटा आ जाएगा। तो ये यूएमयूई है बाई लेमन सेफी थ्योरम, और ये यूएमयूई है बाई राव ब्लैकवेल थ्योरम, और यूएमयूई किसी भी थ्योरम से आए यूनिक होता है, तो ये चीज इसके इक्वल होगी। तो फाइनली आंसर आ गया टी अपॉन एन स्क्वायर, तो यही आंसर होगा। दूसरा आसान अप्रोच ये था कि आप सिंपली यहाँ पे मीन ऑपरेट कर दो, ये जो पहले क्वांटिटी दे रखी मीन ऑपरेट कर दो, तो e of x1 given t, तो e of first order statistics आ जाएगी, और e of first order statistics theta by n है, और हर ऑप्शन में mean operate कर, same चीज़, यहाँ mean operate कीजिए, हर ऑप्शन में mean operate कीजिए, देखिए कहाँ पे match करेगा। तो इसका जब mean निकालेंगे et आ जाएगा n theta upon n square, तो theta by n, और यहाँ भी theta by n ही आएगा, यहाँ है ना expression of first order statistics क्या था, theta by n ना, तो यही match करेगा, बाकी match ही नहीं करेगा, तो भी कर सकते थे। आसान अप्रोच ये था कि अप्लाई एक्सपेक्टेशन हेयर, अप्लाई एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल द ऑप्शंस, हो जाएगा। सब्जेक्टिव अप्रोच होता ये होता, ये यूएम वीयूई है और ये भी यूएम वीयूई है, दोनों इक्वल होगा, 1 बाय n साथ में चल रहा है, तो उससे आ गया। यहां जो आपके पास कि देखिए इसमें कहना चाह रहा है आपसे कि आपके पास क्या है, x1 x2 xn रैंडम सैंपल साइज n का फ्रॉम यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा। तो आपके पास जो x साइज है यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा है, और पूछ रहा है कि दिस इज कंप्लीट, देखो यहां पे एक ही पैरामीटर थीटा है, और ये इस एस्टिमेटर में ये ऑर्डर पेयर टाइप का हो गया ना, ऑर्डर पेयर है, डायमेंशन 2 हो गया इसका, तो ये कभी भी कंप्लीट तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक पैरामीटर है, तो वहां पे पैरामीटर में मतलब एक ही पैरामीटर डायमेंशन वाले 1 है वहां पे सिंपल, और यहाँ पे डायमेंशन 2 का आ गया, तो ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है? उसके पीछे लॉजिक ये है कि आप चाहो तो ऐसा ए एक्स वन प्लस बी एक्स एन ये 0 आ जाएगा, बट जरूरी नहीं है कि ये इसके 0 होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, है ना, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि probability of this being 0 is 1, उसके 0 ने probability 1 नहीं होगी, या this will not be identically 0, मतलब कि a x1 plus b x n ये जरूरी नहीं है identically 0 आएगा, ये चीज है। अच्छा ये बोल रहा है कि x n minus x1 is ancillary statistics, तो उसके लिए क्या करना है आपको यहाँ से, कि आपको पता है माइनस थीटा आपने लिया था माइनस एक्स एन प्लस थीटा, उससे से एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसके हिसाब से, ऐसे ही कहीं भी ले लेंगे नहीं, तो वैसे किया तो फॉल्स आया होगा, ये गलत ऑप्शन मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए ध्यान से, यूनिफॉर्म माइनस वन वन, ठीक है, तो ये स्केल चेंज करने पे पैरामीटर से फ्री हो रहा है ये, तो इस केस में nth order statistics upon first order, ये ancillary statistics होगा, ठीक है ना, जो आप कह रहे हो वो मैंने कब किया होगा, जब आपका xi ऐसा रहा होगा theta minus 1 से theta plus 1, तो इस केस में क्या होता है कि xi minus theta uniform minus 1 1 है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ location change कर रहे हैं, जब location change करके distribution parameter से free हो जाता है, तो इस केस में nth order statistics minus first order statistics is ancillary, ये ancillary होगा, तो इसको बोलते हैं location family, है ना, यहाँ scale change हुआ, यहाँ location change हुआ, तो जहाँ scale change करने पे distribution theta से free हो जाए, वहाँ पे ये ancillary statistics बनेगा,
और जहां लोकेशन चेंज करने पे डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हो जाए थीटा से, वहां ये वाला एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स बनेगा। तो ये गलत है, गलत है क्यों? क्योंकि ये एंसिलरी यहां बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे एंसिलरी ये होगा, है ना। ये चीज है, ये मैंने जरूर बताया, मैं ध्यान रखना है कब। तो ये वाला एंसिलरी कब होगा? जब आप स्केल चेंज करोगे और पैरामीटर से फ्री हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, तब जाके एंसिलरी बनेगा ये। तो आप आंसर की चेक कर सकते हैं, दोनों गलत होगा। ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए। तो यहाँ पे जो है XNBS sequence of IID random variable having common CDF दे रखा है ना, और ये कहीं ना कहीं CDF बता रहा है क्या है। देखो, CDF 0 है जब x less than 0 है, CDF 0 से 1 के बीच है जब x AB के बीच है, और CDF 1 है जब x more than 1 है, ठीक है। तो SNX is an empirical distribution function of x, और ये SNX को यहाँ पे, अच्छा यहाँ SNX जो है वो empirical distribution function है, मतलब FNX है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है N FNX has distribution binomial N, CDF, ये हमारा थ्योरम था n टाइम fn या n टाइम snx, ये होगा हमारे पास दिस। तो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये भी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। सो लिमसुप ऑफ दिस इज जीरो बीइंग प्रोबेबिलिटी 1, चेक करो ये थ्योरम बेस्ड स्टेटमेंट्स हैं यहां पे, और क्या है ऑप्शन ये, तो ये ट्रू लग रहा है बिकॉज ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, है ना। सेंट्रल लिमिट थ्योरम से ये ऐसा कुछ ट्रू दिख रहा है, और यहाँ पे कोवेरियंस बिटवीन SNX SNY, तो इसका फॉर्मूला था कि FNX FNY का कोवेरियंस क्या होता है, ये फॉर्मूला मैंने क्लास में लिखाए थे, आप चेक कर लीजिएगा। सो FNX और FNY इसके बीच का कोवेरियंस का जो फॉर्मूला है, चेक करो, शायद यही आता है, चेक कर लो ये कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। मिनिमम वाले को चलता है। अच्छा, तो ये हाँ, तो देखो ये है कि नहीं, तो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे SN माइनस FX है, मतलब ये एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और ये आपका ये है, और एक्चुअली क्या होता है FNX converges in distribution to FX, ऐसा भी होगा, या सेंट्रल लिमिट थ्योरम से ये यहाँ पे हमने कुछ ऐसा ही किया है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा के ना, तो वो सॉल्व किया था। पूछ क्या रहा है, 4n yn converges in distribution to central chi square distribution with 2 degree of freedom, I think ये statement true है, proof इसका भेजा था group में, I think किसी ने भेजा था ना, तो ये theorem ही है, ये भी ये true statement है, check कर लीजिए false कौन सा है, ये बी वाला, सी वाला false है, answer की मैं देख लीजिए। C वाला false होगा, आपने sir किया था mean of x y ऐसे करके, हाँ वो कुछ और होगा, वहाँ कुछ something और आया होगा, है ना। हाँ sir, वो जो edition है, उसमें अलग है सर, फोर्थ और फिफ्थ edition में, नहीं नहीं तो वो ठीक है, बाद में मैंने फॉर्मूला लिखाया था जो इसमें यूज किया इन लोगों ने, ओके, तो फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। तो फिर दोबारा डाउट पूछे, मैं कल एक बार फिर सॉल्व कर लूंगा, मतलब जैसे आप एक बार पूरा सॉल्व कीजिए 1 to 65, जो जो क्वेश्चन रह गया आप मुझे डाउट भेजिए, तो मैं एक बार फिर से थ्योरी देख लूंगा, फिर से एक बार मैं क्वेश्चंस देख लूंगा, है ना, फिर आपको कल जो डाउट क्लास होगा उसमें प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। क्योंकि अभी मैंने उस टाइम पढ़ाए थे, तो कई थ्योरम मेरे दिमाग में निकल जाते हैं, क्योंकि रिपीट सेम चीज है, आप रिवाइज करोगे तो आपको भी याद रहेगा। मैं रिवाइज कब करता हूं, मैं जब पढ़ाता हूं तो थोड़ा पहले देखता हूं, बस इतना ही है, उसके बाद फिर इतनी सारी चीजें चल रही हैं तो वैसे भूल जाता हूं, कई सारे थ्योरम मैं ही भूल जाता हूं, उसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा, ये है, तो उससे आ जाएगा। तो आप ट्राई करके देखिए, ये तो थ्योरम ही है, ये भी थ्योरम ही था, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये थ्योरम है, और इधर ये भी पहला वाला भी थ्योरम ही है, ये भी थ्योरम ही है, तो इससे आ जाएगा, सी आई थिंक गलत है, इससे होगा, है ना। यहाँ पे क्या है, तो ये तो ऐसे नॉर्मली आप कर सकते हैं, मतलब ऐसे मल्टीवेरिएट करके भी कर सकते हो, नहीं तो सीधा सीधा उससे आ जाएगा। सो लेट द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x1 x2 x4 ये दे रखा है, तो आप बस ये तो ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके देखिए समझ आ जाएगा ये। तो यहां से y जो है नॉर्मल 8 कॉमा दिस, ठीक है। अच्छा, तो ये तो थ्योरम है, फिर से यहां पे ना कि ये आपका y जो है नॉर्मल p8 है, यहां पे मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है 0i8 दिस, और y ट्रांसपोज सिग्मा 1y एंड y ट्रांसपोज सिग्मा 2y बी इंडिपेंडेंट एंड फॉलो सेंट्रल काई स्क्वायर,
डिस्ट्रीब्यूशन विद 3 and 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, और सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों 8x8 की मैट्रिक्स है, ओके, तो कौन सा ट्रू है? तो ये थ्योरम है ना, आपको याद होगा थ्योरम कि दिस टू इन आईआईडी है फॉलो सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 3 and 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम 8x8 की मैट्रिक्स, इसका क्या मतलब है? तो ये थ्योरम ही था जहां पे दोनों आइडियोपोटेंट होने चाहिए और E1 E2 का प्रोडक्ट 0 होगा, ये आई थिंक दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, यहां पे चेक कर लीजिए, थ्योरम ही है, पॉल सेंट भी कराए होंगे और मुझे भी याद आ रहा है थ्योरम ही है, सुपर चेक कर लीजिए आप। और कुछ ऐसा है यहां पे कि इसका क्या होगा, इसका रैंक कितना आएगा 3 और इसका रैंक कितना आएगा 4, है ना, ऐसे कुछ है ना रिजल्ट? हाँ, क्योंकि ये जरूरी नहीं, ये वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स जरूरी नहीं है, ये जस्ट एक कोई भी एक मैट्रिक्स, आपने इसको A1 के टर्म में लिखा होगा थ्योरम जब उन्होंने लिखाए होंगे, या बुक में जनरली A1 A2 के टर्म में लिखे रहते हैं बुक्स में, तो उससे आ जाएगा। तो ये A1 का रैंक है ना 3 है, A2 का रैंक 4 है और ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो ये पहले इंडिपेंडेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट 0 होगा, ये थ्योरम है एक्चुअली, थ्योरम से हो जाएगा। तो इस थ्योरम के ही स्टेटमेंट को क्वेश्चन बना दिया है, इसलिए बुक आप अगर पढ़ते हैं नहीं तो थ्योरम आपको जगह याद रखना पड़ेगा कि ये थ्योरम उससे हो जाएगा, तो प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट होगा एग्जाम में। फिर ये कह रहा है XY जो है बाईवेरिएट नॉर्मल है जहां जॉइंट पीडीएफ ये दे रखा है आपको, तो पूछ रहा है 8EXY बताइए, तो आप कंपेयर कर सकते हैं पैरामीटर से, एक ये तरीका है कि हम लोग पैरामीटर क्या कर सकते हैं, कंपेयर तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप जो बाईवेरिएट नॉर्मल का जो पीडीएफ है जॉइंट पीडीएफ है वो पीडीएफ लिख सकते हैं और उसके साथ इसको कंपेयर कीजिए, कंपेयर करेंगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ मुझे दिख रहा है कि μ1 μ2 तो मुझे 0 ही दिख रहा है, चेक कीजिए है ना, और फिर σ1 σ2 रो देखना पड़ेगा आपको, σ1 क्या है σ2 क्या है रो क्या है, वो कंपेयर करके आएगा, फिर उसके बाद 8EXY आ जाएगा वो है। कोवेरियंस मतलब कहीं ना कहीं चाहिए, तो कंपेयर करके रो निकाल लो, इसको कंपेयर करके रो निकाल लो, उससे आ जाएगा। तो यू जस्ट कंपेयर इट विद द जॉइंट पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, जो बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसके पीडीएफ से कंपेयर कीजिए। यहाँ पे जो है आपके पास एफ एक फंक्शन है 8x2 - 2y, अच्छा, और एम एन एम इधर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑन द सेट दिस, तो मतलब आपका जो डोमेन है ना इस फंक्शन का, ये डोमेन है, ये जो फंक्शन है उसका डोमेन है ये वाला सेट, तो आपके पॉइंट इस सेट से लेने पड़ेंगे। तो यहाँ आपको सिंपली आपको दिख रहा होगा x2 + y2 1 है, तो इजीली इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पोलर फॉर्म में चाहो तो, या वन वेरिएबल फंक्शन में, ये आपका डोमेन है कि जो भी इस फंक्शन में xy वो इस सेट में से ही आना चाहिए, तो यहाँ से y2 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, नहीं x2 निकाल लो, तो यहाँ जब आप x2 निकालोगे तो आ जाएगी 1 - y2, इस x2 को आप रख दो 1 - y2 - 2y, तो ये क्या हो गया, यही जो फंक्शन है अब ये fy बन गया, ये जो फंक्शन है अब fy बन गया, मैंने क्या किया ये पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे थे इसको, तो यहाँ से x2 निकाल के रख दिया, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये आपका सर्कल के पॉइंट्स थे, तो आपको देखना है कि x अभी आपने y के टर्म में लिखा था, y कहां से कहां तक हो सकता था, तो आपका y तो यहां होगा y belongs to -1 to 1, तो ये इसी क्वेश्चन को रीफ्रेम करके ये बना दिया मैंने, so fy is this, y belongs to this, तो आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना पड़ेगा इस फंक्शन का, कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट को पहले एक जगह रख के 1 by 1 फंक्शन में पुट कीजिए, जिस पे हाईएस्ट वैल्यू आएगी वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जिस पे लोवेस्ट आएगी एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, तो यहां पे एंड पॉइंट भी हो सकता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा हो, है ना, क्योंकि क्लोज्ड है। दूसरा मेथड है कि आप ये ना करके आप क्या करो, x को रखो r2 है, x को cos थीटा, y को sin थीटा, अब यहां पुट कर दो आप x को cos थीटा, y को sin थीटा, तो इसको एक एंगल में कोशिश करो कन्वर्ट करने की, समाओ अगर कन्वर्ट कर लेते हो तो आपको पता होगा a cos थीटा + b sin थीटा के जो मैक्सिमम वैल्यू है वो √a² + b² है, मिनिमम वैल्यू -√, तो उस तरह से भी कोशिश कर सकते हो आप, इससे भी निकाल सकते हो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, थीटा में करके भी कर सकते हैं, जैसे समझ आ रहा हूं। इसमें जो है आपके पास कि ए आपको दे रखा है, ये वेक्टर है, बी ये है, सी ये है, ये 4x4 का रियल मैट्रिक्स है जिस, ओके, तो डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट बी, डिटरमिनेंट सी डिनोट द डिटरमिनेंट्स ऑफ द
मैट्रिसेस ए बी सी रेस्पेक्टिवली, डिटरमिनेंट ए सिक्स है, डिटरमिनेंट बी टू है, तो ये बताना था। ये मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है एक्चुअली। सो आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में देखेंगे तो इजिली आ जाएगा। ए प्लस बी निकालेंगे तो ए प्लस बी मैट्रिक्स में क्या है, इससे इससे ऐड हो जाएगा, क्योंकि कॉलम वेक्टर्स है ना, तो ऐड हो जाएगा। फिर डिटरमिनेंट ए प्लस बी का तो समय तो अलग नहीं कर सकते, बट वहां से प्रॉपर्टीज से दिख जाएगा। तो कि वजह की बात क्या है कि ये जो डिटरमिनेंट सी होगा उसको हम ब्रेक करके कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट ए और बी के जैसा लिख सकते हैं। आपको याद होगा कि हम लोग प्रॉपर्टीज में क्या होता है, कोई कोई एक कॉलम है जिसका एलिमेंट दो एलिमेंट का सम है, तो इसको हम टू अलग अलग डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ काम आ जाएगी डिटरमिनेंट सी में, उसके हेल्प से कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। तो ये डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज लगाने हैं, ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो मुझसे पूछिए नेक्स्ट क्लास में। ये यहाँ पे जो है आपके पास कि x कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका MGF आपको दे रखा है, ओके, तो पूछ रहा है कि x मोर देन 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना, x मोर देन 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्या होगा, इसको आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं ना, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा e की पावर t माइनस 1 अपॉन t माइनस 0, t into 1 minus 0, 1 upon 1 minus t, तो mx1 t into mx2 t, ऐसा कुछ। तो ये mx t जो है mx1 t into mx2 t, इसका मतलब x1 x2 are independent and x is sum of x1 plus x2, x1 plus x2 x है and x1 x2 independent है, तो यहाँ put कर लीजिए। तो यहाँ से आ गया x1 plus x2 more than 1, तो क्या करेंगे, joint PDF fx1 x x1 fx2 x2 dx2 dx1। अब इस region पे integrate graph बना के देखिए, इस region पे integrate कीजिए, x1 x2 independent है, x1 क्या होगा uniform 0 1, x2 क्या होगा exponential 1 हो जाएगा, तब से आ जाएगा। और भी तरीके हो सकते हैं, ये एक तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे जो है आपके पास कि पूछ रहा है आपसे कि xn सीक्वेंस ऑफ iid रैंडम वेरिएबल है यूनिफॉर्म 0-3 से, और y जो है ये PMF दे रखा है, तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम लेस देन 1 है, तो देखो इसका मैक्सिमम लेस देन 1 है, तो each xi लेस देन 1 हो जाएगा। लेकिन यहां ध्यान देना, यहां रैंडम वेरिएबल है, ये यहां पे क्या हो रहा है, ये रैंडम वेरिएबल है y इंडेक्स में, इंडेक्स में रैंडम वेरिएबल है, तो इसका लॉजिक ये होगा यहाँ पे कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली वाई को फिक्स कर देना है। तो वाई को फिक्स कैसे करना है, प्रोबेबिलिटी वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई, या स्मॉल वाई में दिक्कत हो तो कैपिटल वाई इज इक्वल टू एन इंटू प्रोबेबिलिटी मैक्स एक्स वन एक्स टू एक्स एन कर दो आप लेस देन इक्वल टू 1, और यहां हो जाएगा समेशन n from n क्या था, तो ये y का सपोर्ट क्या है, y was y is random variable, ये है जहां सपोर्ट 1 से इंफिनिटी है, तो इसका 1 से इंफिनिटी पे सम कर दो, तो ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, क्या किया इस y की जगह n रख दिया। अब n तो कुछ भी हो सकता है, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी, तो साथ में यहां pdf of n, कि पता है आपको टोटल प्रोबेबिलिटी यूज हुआ है, आपको ध्यान समझ आ रहा हो, तो क्या किया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ei into probability of a given ei, तो ये given ei, तो इसके जगह पे ये जो given है वो put कर दिया, तो इससे आ गया, तो इससे आ जाएगा आपका answer। है ना, तो ये आ जाएगा, और दोनों independent ही बता रखा होगा ना, क्या है y और x independent, y be the independent of xn, independent हुआ इसीलिए ऐसा किया। मैं इसको कई बार ऐसे भी लिखता हूं ना कि प्रोबेबिलिटी मैं लिखता y इज इक्वल टू n, मान लो ऐसा लिखता n इंटरसेक्शन दिस थिंग सेम थिंग मैक्स ऑफ दिस लेस देन इक्वल टू 1, दो इवेंट है। अब यहाँ पे अलग अलग कर लो, समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी वैसे कर सकते हैं, फिर इंडिपेंडेंट है तो दोनों अलग अलग कर देंगे इस तरह से, या इंडिपेंडेंट है तो गिवन कंडीशन खत्म हो गया। ये
जैसे भी आपको समझ आ रहा है, ये आई थिंक समझ आया होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी यूज किया है। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्स का पार्ट कैसे निकलेगा? किसमें? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्स ऑफ x1। हाँ ये तो इजीली आ जाएगा ना, जैसे मैक्सिमम जो है छोटा है 1 से, तो इसका मतलब इंडिविजुअली x1 भी छोटा है 1 से, x2 भी छोटा है 1 से और xn भी छोटा है 1 से, और ये सब क्या है? IID है। तो ये एट द एंड ये क्वांटिटी पता है किसके इक्वल हो गई? x1 less than equal to 1 is uniform बोल दिया रखा है। हाँ, और यूनिफॉर्म 03 है, ईच xi यूनिफॉर्म 03 है। तो ये आ जाएगा इससे। तो अब इससे जस्ट x1 less than equal to 1 निकालना है, पावर n लेना है, ये आ गया। आ जाएगा उससे, और यहाँ पे n है तो ये बैलेंस हो जाएगा कहीं कहीं, n पे समेशन है ना, तो एट द एंड n गायब हो जाएगा, तो उससे आ जाएगा। यहाँ पे जो है कि xn जो सीक्वेंस ऑफ id रैंडम वेरिएबल एक्सपोनेंशियल 1 है, और z एक रैंडम वेरिएबल है which converges in distribution 2, then अच्छा median of z, ये कहना चाह रहा है ये जो nth order statistics minus log n है, this converges in distribution 2 z। तो मतलब ये जो nth order statistics minus log n है converges in distribution 2 z, ठीक है, ये चीज है। तो इसका CDF और इसका CDF इक्वल है, तो Z का CDF इससे आ जाएगा, तो इसका CDF और इसका CDF इक्वल रहेगा। अच्छा डेफिनेशन है कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो डेफिनेशन है कि X converges in distribution to Y, या X1 X2 Xn sequence, तो limit n tends to infinity, इसका CDF बराबर इसका CDF हो जाएगा, तो से आ जाएगा। तो आप सीधा सीधा इसका CDF निकालिए, n tends to infinity लगाइए, तो Z का CDF आ जाएगा। Z का CDF आ गया तो बोल रहा है मीडियन ऑफ जेड बताइए क्या होगा, मीडियन ऑफ जेड क्या है, पहले जेड का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, तो इसका सीडीएफ निकालिए, और ये आसान है सीडीएफ निकालना। आप कैसे करोगे? प्रोबेबिलिटी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस लॉग एन लेस देन इक्वल टू टी है, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू टी प्लस लॉग एन कर लेना है। और इसका फॉर्मूला होता है nth order statistics CDF at this, तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि कोई रैंडम वेरिएबल x1 ले लो, पहला वाला रैंडम वेरिएबल, और लेस देन इक्वल टू t प्लस ln n इस पूरे की पावर n हो जाएगी, मतलब CDF ऑफ nth order statistics इक्वल टू x1 रैंडम वेरिएबल उसकी पावर CDF के पावर n, फॉर्मूला यूज कर लिया, इससे इजीली आ जाएगा। अब x1 तो एक्सपोनेंशियल 1 था, तो उसका CDF पता ही आपको, फिर n टेंस टू इनफिनिटी लगा लो, तो इन्फिनिटी लगाओ n गायब हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास CDF of z, और ये जो है CDF of z के इक्वल है at t लगा लो, तो CDF of z at t आ गया। अब CDF आ गया, बोल रहा मीडियन क्या है, तो मीडियन के लिए क्या करना होता है कि इसको आप हाफ के इक्वल रखो, तो यहाँ से जो t निकल के आएगी दैट इज द मीडियन, सो ये मीडियन है z का, सो CDF z का हाफ रखना है तो मीडियन आ जाएगा सीधा। लिख के देखो, नहीं तो अगले क्लास में पूछो। ये जो क्वेश्चन है इसमें है कि कंसीडर एन अम्यूजमेंट पार्क वेयर विजिटर्स आर अराइविंग अकॉर्डिंग टू अ पॉइजन प्रोसेस विद रेट 1, ठीक है, अपॉन अराइवल अ विजिटर सेंड अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, स्पेंड अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम इन द पार्क एंड देन डिपार्ट्स, द टाइम स्पेंड बाय विजिटर आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर एज वेल एज ऑफ द अराइवल प्रोसेस एंड हैव द कॉमन पीडीएफ दिस पार्क अभी 10 लोग है उस पार्क में, ठीक है, तो पी विद द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एग्जैक्टली 2 मोर अराइवल्स बिफोर द नेक्स्ट डिपार्चर, ठीक है, सो पी क्या है, प्रोबेबिलिटी है देयर विल बी एग्जैक्टली 2 मोर अराइवल्स, तो अभी 10 लोग है ना पार्क में 10 लोग है, तो एक अराइवल की प्रोबेबिलिटी क्या है,
ऐड हो जाएगा ना, तो 11 लोग हो जाएंगे पार्क में, तो या तो आएगा या जाएगा, ठीक है ना। तो इसका कुछ है ना, इससे जो आंसर उसने भेजा था उसमें कुछ ऐसा है, इसका ऐसा होता है कि 1/10 + 1 अराइवल, दूसरा अराइवल होगा, अब 11 लोग हो गए, 11 + 1 × तो ये फर्स्ट अराइवल की प्रोबेबिलिटी, सेकेंड अराइवल की प्रोबेबिलिटी। अब बोल रहा है कि टू मोर अराइवल बिफोर द नेक्स्ट डिपार्चर, बिफोर द नेक्स्ट डिपार्चर, अगर डिपार्चर की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 - अराइवल प्रोबेबिलिटी, तो अराइवल प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब पहले के 12 लोग हो चुके हैं ना, तो 12 + 1, आई थिंक इससे आंसर आ जाता है ना। सो 1/11 × 1/12 × इसका क्या होता है, 13 हो गया, 13 - 1 12/13, चेक कीजिए। तो यहां से आ जाएगा, नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है ना, डिपार्चर हो रहा ना, तो यहाँ 12 ही रहेगा, आई थिंक 12 रहेगा, तो यहाँ क्या आएगा, 11। सो 11/12, ये 11 कट जाएगा, कितना आता है यहाँ पर आंसर, 1 - 12 + 1 अगर लेंगे अगले अराइवल की प्रोबेबिलिटी, इसका क्या आता है आंसर। सो आंसर देखो है 143, आंसर 143 कब आएगा। ठीक है, 10 + 1 11 + 1 1 - 12 + 1 ये सही था, तो 12 + 1 तो यहाँ से आ गया 13, तो ये हो गया 13 - 1 12/13, 12 12 कट गया, तो 1/11 × 13 कितना आ गया, 143 आता होगा। देखो तो वन अराइवल, नेक्स्ट अराइवल, वन डिपार्चर, तो 1 - अगले अराइवल की प्रॉपर्टी को घटा दिया, तो 1 - प्रॉबर्टी ऑफ नेक्स्ट अराइवल, तो वो प्रॉपर्टी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां से आएगा 1 - 1/12 + 1 एंड मतलब 1 - 1/13, तो 12/13, तो 12/13, तो ये 1/12 पर ये प्रॉपर्टी वही उसी पैटर्न दिख रहा है, नेक्स्ट अराइवल अराइवल, और ये अराइवल नहीं डिपार्चर होगा, तो 1 - नेक्स्ट अराइवल, तो डिपार्चर की प्रॉपर्टी हो गई। और यहां से कुछ आता है तो इस तरीके से 1/11, 1/12, 12/13, 12 का, तो ये आ जाएगा, तो ये पी था, तो 1/p पूछ रहा है, तो 143 ये है। इसका दूसरा अप्रोच देखना पड़ेगा कुछ और, तो तीसरा कुछ इसका है, आप ट्राई करना अपने हिसाब से, आप देखना क्या आता है उस हिसाब से। नेक्स्ट जो है इसमें कि आपके पास ये ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है x1 x2 x3 x4, और ये आपके पास पीडीएफ है, तो पूछ रहा है कि द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ थीटा ऑन द सिंपल ऑन द ऑब्जर्व्ड सैंपल, तो लाइक्लीहुड फंक्शन निकालो, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है आपको, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। थीटा यहाँ 0.5 से 1 है, तो हम 0.5 से 1 वाले वैल्यू लेंगे, तो एम ए लिया ना, तो क्या करते हैं लाइक्लीहुड फंक्शन में, आप इन पॉइंट पे पीएमएफ निकालना होगा, तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जॉइंट पीडीएफ, जॉइंट पीएमएफ प्रोडक्ट निकालो, अरे ये पीडीएफ है ना, तो दिस विल पीडीएफ, हाँ, तो लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना ना, एल थीटा, तो उस पर ट्राई करो, लिख के देखो क्या होगा, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो आप, फिर देखो मैक्सिमाइज करो किस वैल्यू पे, थीटा के किस वैल्यू पे मैक्सिमम आंसर आएगा, थीटा की वैल्यू आपको, थीटा की वैल्यू चाहिए जिसमें मैक्सिमम आंसर आए, वो चाहिए। यहाँ पे जो है कि एक रैंडम सैंपल साइज 100 का लिया नॉर्मल से विथ अनोन म्यू म्यू एंड वेरिएंस नोन है, वेरिएंस 9 है आपका। अब पूछ रहा है कि गिवन द सैंपल मीन, देखो अभी क्या क्या गिवन है, म्यू अनोन है लेकिन सिग्मा स्क्वायर 9 है, और एक्स बार आपका 5.608 है, तो आप क्या टेस्ट कर रहे हैं, एच नॉट 5.02 होगा अगेंस्ट H1 5.02 होगा, नहीं होगा ना, तो इसका प्रैक्टिकल रीजन तो आप लोग आइडिया होगा ऑलरेडी, बताइए कोई इस टेस्ट में क्रिटिकल रीजन क्या आता है सिंपल वर्सेस कंपोजिट का नॉर्मल का, मॉड एक्स बार ग्रेटर हाँ मॉड एक्स बार ग्रेटर, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना था कि यहाँ पे नॉन जीरो नंबर है, तो मैंने मॉड एक्स बार इसलिए लिखा था उसमें कोई जीरो था, तो यहाँ पे जो आएगा एक्चुअली ये आएगा मॉड एक्स बार माइनस दिस नंबर, हाँ ये आएगा, ये मोर देन के आएगा, तो
तो वहां पे जैसे कल जो लिखे थे वहां जीरो रहा होगा, इसलिए मॉड एक्स बार लगा, अदरवाइज ये आता है क्रिटिकल रीजन। एक्स बार माइनस सिग्मा बाय रूट 10 होगा। नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेज कर सकते हैं वो। हाँ वो भी कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं, वो तो कांस्टेंट है ना। लेकिन अगर आपने ये लिख दिया तो यहाँ पे करना पड़ेगा फिर वैल्यू निकालने। जी जी कोई दिक्कत नहीं, उससे हो जाएगा। हाँ वो भी आप यहाँ कर सकते हैं, सिग्मा बाई रूट 10 कर लीजिए। तो यहाँ भी सिग्मा बाई रूट 10 K1 मान लीजिए, तो सिग्मा बाई रूट 10 ये K2 हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो ये क्रिटिकल डिसीजन ले लो, ये भी चलेगा। तो ये आपका टेस्ट स्टेटस हो गया। तो जैसे अब मॉड है तो मॉड को इग्नोर करना है, टू टाइम कर देंगे, यहाँ आंसर आएगा टू टाइम प्रोबेबिलिटी। क्योंकि ये इस तरह का रीजन है ना कि क्रिटिकल रीजन इस साइड भी है और इस साइड भी है, लेकिन ये सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट, मतलब सिमेट्रिक है एटलीस्ट जीरो का होना, मतलब गिवन सैंपल देवा 5.608 तो x बार माइनस रुके रुके दिस अपॉन सिग्मा कितना है 3 और रूट n कितना है रूट n 10 तो ये मोर देन, इसकी ऑब्जर्वड वैल्यू बताइए x बार की ऑब्जर्वड वैल्यू कितनी थी 5.608 माइनस 5.02 अपॉन 3/10 तो ये 2 टाइम क्यों किया, क्योंकि मोड हटा दिया मैंने, मोड के साथ लिखते इधर वाली वैल्यू भी आती इधर वाली भी आती, तो वो हमने एक लिखा मोड हटा दिया, इसीलिए थे 2 टाइम। अब ये z हो गया तो कैपिटल z मोर देन, ये कितना आता है देखिए कैलकुलेट करके, 608 में से 20 घटाएंगे 5 कितना होगा 598 नहीं 588 वहां से ना 10 में से 9 में से तो गया 7 78 चेक कीजिए 608 में से 20 घटाएंगे 0.588 ना ओके 0.588 अपॉन 3/10 तो 10 ऊपर अपॉन 3 ये देख लीजिए तो ये आ जाएगा 2 टाइम 1 माइनस 5 और ये कैलकुलेट कर लीजिए 588 अपॉन 3 कितना आ रहा 5 है 1.96 अच्छा मतलब आप डायरेक्ट बता रहे वैल्यू नहीं सर वो 5 के अंदर ही आ रहा है क्योंकि ऊपर 5 ओके ओके हां ठीक है और ये आपको यहां दे रखा होगा देखिए तो 2 टाइम 1 माइनस 5 तो 1 माइनस 0.975 तो ये आपका आ जाएगा तो 2 टाइम 1 माइनस 0.975 ये निकालिए ये आंसर आ जाएगा इस जो आएगा वही आंसर होगा ये है ठीक है तो सॉल्व करके देखिए मैंने बता दिया हिंट दे दिया मतलब हिंट क्या पूरा लोगों सॉल्व भी कर दिया आंसर निकालना बाकी है यहां आपके पास क्या है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है पीएमएफ दे रखा है P1 दो अलग अलग पीएमएफ आपको दे रखे हैं अलग अलग है ना टेस्ट करना है कि ये पीएमएफ वर्सेस दिस पीएमएफ तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 0.05 तो साइज का मतलब क्या है रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू तो एच नॉट में क्या है पी नॉट तो पी नॉट में आपका 0.05 सिर्फ यहां मिल रहा है ना साइज 0.05 होने चाहिए तो क्रिटिकल रीजन एक्स बराबर 8 हो जाएगा देख लीजिए क्योंकि साइज 0.05 मिलने के लिए मतलब है कि रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू तो एच नॉट अगर ट्रू है तो रिजेक्टिंग एच नॉट की प्रोबेबिलिटी 0.05 होने का क्या चांस है तो सिर्फ यही चांस है 0.0 बाकी तो कुछ नॉन कुछ और ही है ना तो इसके एक मतलब 9 और 10 का भी तो होगा क्योंकि सारा हम आगे का लेंगे ना हां अच्छा वैसे आप सोच रहे हैं एक मिनट तो यहां तो पीएमएफ है ना तो अच्छा हम लाइक्लीहुड रेशियो निकाल के देख लेते हैं उससे इजी रहेगा अगर लाइक्लीहुड रेशियो अगर मोनोटोन नहीं हुआ तो जैसे मैं कर रहा था वैसे करूंगा तो पहले आप रेशियो निकाल के देख लीजिए कि इसका जो रेशियो है क्या मोनोटोनिक है तो मोर देन लेस देन आएगा उस केस में तो आप पहले इसका रेशियो निकालेंगे मोनोटोनिक देख लीजिए दिस अपॉन दिस कैलकुलेटर से देख लीजिए जैसे अगर निकालूंगा ये 5 आ जाएगा ये 16/4 4 आ जाएगा ये 10/5 2 आ गया ये 69/9 तो अप्रॉक्स कितना 69/90 तो 1 से कम ही आएगा लग रहा है तो 1 से ओके तो मोनोटोनिक है ये ओके तो मोनोटोन तो मैं जनरली करता हूं क्या ध्यान दीजिए तो मैं ये लेता हूं LH not upon LH1 तो LH not upon LH1 तो यहां ये जो अभी लिया मैंने LH1 upon LH not लिया है तो वो क्या है लेफ्ट राइट जाएंगे अब इंक्रीज कर रहा है तो मतलब ये मेरा डिक्रीज कर रहा होगा तो डिक्रीज कर रहा होगा तो क्रिटिकल रीजन क्या आएगी हाँ ठीक है तो अगर मोनोटोनिक नहीं होता जो मैं पहले कर रहा था वो करता है एक्चुअली क्योंकि यहाँ मोनोटोनिक है तो ऐसे करना पड़ेगा मतलब लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट यूज कर रहा हूँ मैं
सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में डिक्रीजिंग आया तो क्रिटिकल रीजन ये है। अब आपको देखना है कि ये क्रिटिकल रीजन अंडर एच नॉट है ना, अंडर एच नॉट ये 0.05 कब आएगी, तो अब ये दोनों मिलके 0.05 बना देगा, ठीक है। तो मतलब क्रिटिकल रीजन अब निकल के आ गया x मोर देन इक्वल टू 9, ये निकल के आ गया, तो x मोर देन इक्वल 9 ये क्रिटिकल रीजन हो गया। अब पावर क्या होता है, रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, तो इसके करस्पोंडिंग ये ऐड कर लीजिए, तो 16 प्लस 5 21, तो 0.21 इसका आंसर होना चाहिए। किस पॉइंट पे मतलब 9-10 को मिला के 0.05 नहीं आ रहे, मतलब रैंडमली बोल रहा हूं। कर सकते थे, हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जनरली उस केस में देखना होता है पावर ज्यादा कहाँ आएगा, तो कर सकते थे वैसे भी, अगर एक सम मोर देन इक्वल टू 9 लेते हैं, एक क्रिटिकल रीजन मेरा x is equal to 8 है जो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अचीव करेगा, एक क्रिटिकल रीजन मोर देन इक्वल टू 9 है जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अचीव करेगा, है ना, मतलब इसके करस्पोंडिंग आप साइज निकालेंगे 0.05 आएगा, इसके करस्पोंडिंग साइज निकाल रहे हो 0.05 आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट पावरफुल टेस्ट, तो हमें वो क्रिटिकल रीजन कंसिडर करना है जिसके करस्पोंडिंग हाईएस्ट पावर आता हो, तो इसके करस्पोंडिंग पावर आएगा 0.10, इसके करस्पोंडिंग पावर आएगा 0.21, तो तब भी यही ज्यादा पावरफुल है, जो ज्यादा पावरफुल है वो लेना जिसके पावर ज्यादा आएंगे, ये होता। तो अभी मोस्ट पावरफुल टेस्ट कंसीडर करना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सिंपल एक दे रखा है और आपको अप्लाई करना है विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट, आप देख लीजिए इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, इजी है, जस्ट आप उसमें फिट कीजिए, तो द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट T1 दिस अंडर दिस इज डायरेक्टली आ जाएगा फॉर्मूला से, आप विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट देखिए, हमने क्लास में कराया होगा, जब ये थ्योरी पढ़ाया होगा तब भी कराया होगा, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पे करा रखा है, आप जस्ट देखिए क्या होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स उससे आ जाएगा। लेकिन वहां पे तो मतलब वो टेबल फॉर्म में था, हां उसमें हम मीडियन माइनस करके वो प्लस कौन सा माइनस कौन सा वो आइडेंटिफाई कर रहे थे, हां बट यहां पे मतलब वो टेबुलर तो टेबल दिया नहीं, मतलब तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया। नहीं आप देखिए क्लास में कराएंगे, हमने कराया होगा, चेक कीजिए वहां पे कराया होगा विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट है ना, तो इसमें आपको देखना है कि जो वैल्यू क्या है x1 x2 x10 बी द रैंडम सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन हैविंग दिस, ये बोल रहा है कि थीटा क्या है इसका, देखिए एक्स माइनस थीटा ये लोकेशन फैमिली का मेंबर है, तो थीटा इसका 1/2 या थीटा 1/2 नहीं है, तो मतलब ये है, अच्छा यहां से ये बताना चाह रहा है, ये कह रहा है कि fx माइनस 1 बराबर fx है, इसका मतलब क्या समझ आया कि pdf ऑफ माइनस x pdf ऑफ x, तो इसका मतलब ये है कि मीन जीरो है, इसका इसका मीन जीरो है, तो मीडियन भी जीरो होगा, तो इसका मीडियन भी जीरो है, ओके सो थीटा 1.2 वर्सेस थीटा नॉट 1.2, this is our Wilcoxon triangle intersection, then eta denote the probability of event t plus less than 50, हाँ तो t plus less than 50 under h naught, तो मतलब जब theta 1/2 है, उससे जब 1.2 है, theta जब 1.2 है, okay, तो क्या probability है कि t plus 50 से कम ही होगा, तो t plus का expression क्या था, फॉर्मूला देखिए सम ऑफ पॉजिटिव रैंक, हाँ ओके, तो यहाँ पॉजिटिव रैंक वाले कितने होंगे हमें ये देखना है, लेस देन 50 होने की क्या प्रॉपर्टी, आपके पास क्या है यहाँ पे सैंपल साइज 10 का है, ओके और ईटा डिनोट द प्रॉपर्टी दैट टी प्लस 1 इज लेस देन 50, T प्लस कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा उससे होगा कुछ वैसा,
कोई देख के आइए, फिर मैं ट्राई करता हूँ अभी, है ना, अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा कैसे सॉल्व किए थे, तो उसको ट्राई करें। इसमें लास्ट सैंपल होता है तो वो फॉलो, मतलब एक पर्टिकुलर सेट फॉर्म में फॉलो करता है कि हाँ म्यूटी एक अलग n अपॉन n प्लस 1 बाय 4 स्टेप से कर सकते हैं क्या। राइट, तो यहाँ n तो 10 ही है हमारा सैंपल साइज। हाँ लेकिन यहाँ 10 तो कोई नहीं, ट्राई करके आइए, देखता हूँ मैं, तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं कल। तो ये जो 55 है ये आपके पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, और यहाँ भी आपको क्या क्या कर रखा है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आसान है। तो आपको SST दे रखा है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन दे रखा है, तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन दे रखा है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर दे रखा है, SST आपको दे रखा है, और एडजस्टेड आर स्क्वायर है, तो बोल रहा है क्या, तो फॉर्मूला यूज करना सीधा आसान है ना, कि 100 टाइम एडजस्टेड आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, 1 माइनस जो होता है उसको पुट कीजिए और डायरेक्टली आ जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। अच्छा एंड ऑफ क्वेश्चन पेपर ऐसे कैसे, अच्छा ओके 55 तक इसलिए हुआ क्योंकि 10 तो एप्टीट्यूड थे ना, पहले 10 एप्टीट्यूड क्वेश्चन थे, तो अगला 55 क्वेश्चन मैथ्स स्टैट्स का है, तो हमने 30 लास्ट क्लास में किए थे और अभी जो 25 बचे थे वो डिस्कस किया है। तो अब आपका काम ये है, जैसे आप लोगों ने 2023 का सब लोगों ने किया ट्राई, 2022 का आप लोगों ने किया है, और फिर डाउट हमने दो क्लास में डाउट ही डिस्कस किए थे लास्ट, हाँ एक दो क्लास तक डाउट ही डिस्कस किए थे। तो अभी आपका आज का होमवर्क ये होगा कि 2021 का 1 to 65, मतलब 55 ये वाला, 10 एप्टीट्यूड के हैं, तो आपको टोटल 65 क्वेश्चंस ट्राई करके आने, अच्छे से एकदम लिखिए, एक अभी घर पे सीखने के लिए लिखिए, जरूरी 3 घंटे में करो, आप 5 घंटे में करो, लेकिन एक एक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन बनाओ, कि बाद में अगर जरूरत पड़े, देखना पड़े, रिवाइज करना पड़े, तो आपको फिर मुझसे ना पूछना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन बता दीजिए, आपके पास कुछ सॉल्यूशन होने चाहिए ताकि आप उससे रिवीजन कर सको, रिवाइज कर सको, क्योंकि ओवर टाइम भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, आप भी भूलोगे, तो रिवीजन के लिए आपको चाहिए, तो आपके पास रहेंगे तो क्या आप 10 सेकंड 20 सेकंड 1-2 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, क्या देखना ही तो है, 1 मिनट 10 मिनट में आधे घंटे में रिवाइज तो कर सकते हो ना, PY क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्यूशन है, तो अपना खुद से आप सॉल्यूशन बनाइए, 23 का 22 का 21 का आज डिस्कस किया, तो 21 के पेपर में जो भी डाउट्स हैं मुझे क्वेश्चन नंबर आप ग्रुप में पोस्ट कर देना कल, है ना, मैं खुद ट्राई करके आऊंगा ताकि क्लास में हम जल्दी डिस्कस कर ले डाउट, ठीक है। तो कल आप 21 का पूरा कंप्लीट करके आइए, जो भी डाउट रहेगा ग्रुप में पोस्ट कर देना, क्वेश्चन नंबर ये डाउट है, फिर वो हम कल डाउट डिस्कस करेंगे 9 to 11 में, ठीक है। ठीक है फिर अभी आज यहीं स्टॉप करता हूँ, थैंक यू, अगर कुछ डाउट हो दूसरा तो पूछ सकते हैं आप बाहर के, या बाकी कोई क्वेश्चन हो आपके।